बढ़िया रूम कहीं और मिल सकता है? इसमें आपको हीटिंग भी देंगे, कटल भी देंगे, वॉशरूम में आपका ड्रायर भी लगा होगा, सब लगा होगा 1500 में। इतनी सारी सुविधा है, ये कोई संस्था का है या किस तरह से जो अपने अपना इतनी सुविधा दे रहे हो? प्राइवेट बनाया हुआ, ये मोदी जी की पीछे से स्कीम आई हुई। 1500 रुपए मात्र है, और जो शायद हमारे दर्शक हैं शायद उनके लिए कुछ कंसेशन जरूर मिले, तो आप वीडियो देखते रहें। ऐसा तो नहीं सर कि एक ही ये रूम ऐसा है और बाकी कुछ अलग है? नहीं, इससे रूम थोड़े अलग भी हैं, दो रूम लगे हैं, दो रूम सेम रखे हुए हैं हमने। इससे डाउन है या अप है? नहीं, सेम रेट है। सेम रेट है, सेम रेट। और जैसे ऐसे रूम आपको भद्रोह में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा तो 5000 से ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं देगा आपको रूम। ये बात तो आपकी बिल्कुल सच है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से कस्टमर आया तो टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम आए? किसी टाइम भी आ सकता है, टाइमिंग का कोई नहीं कि 12 बजे आपको चेकआउट करना, वो कोई नहीं, 1-2 बजे चेकआउट कर सकते हो। अच्छा जी, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे नंबर है 9622179845। नंबर दोबारा बताइए, 9622179845। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में, मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा, और इस वक्त हम हैं उदराणा जिला भद्रवाह के अंदर, और एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये होटल है। और इससे पहले यहाँ के बारे में हम जानना चाहेंगे, कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर किस तरह से, जैसे कि अभी हसीन वादियों से हम गुजरे हैं, तो यहाँ के लोग किस तरह से होटल, ये होटल मैं आपको दिखा दूँ। इस होटल की एक खास बात आपको बताऊँगा और वो वीडियो में आपको दिखाऊँगा, क्योंकि एक बार भाई से कहूँगा कि सामने आए होटल को इधर से दिखाएं। ये देखो सकते हैं अतुलिया होम स्टे, और यहाँ पर आपके लिए रूम अवेलेबल है। तो किस तरह की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी वो सारी बातें हम जानेंगे। फिलहाल आप वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं और शेयर जरूर करते रहे। इस होटल से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास बात आपके लिए होने वाली है, यदि आप इसको मिस करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। राणा में हम मौजूद हैं जिला भद्रवाह के अंदर नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुलिया होम स्टे के होटल के जो ओनर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस होटल में क्या है खास। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपका पहले तो आप आए उसका स्वागत है आपका भद्रवाह में। ये मेरा होम स्टे है उदराणा में, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बताए इस होटल के अंदर क्या खास बात है, क्या सुविधा है कि ग्राहक यहाँ पर आए? यहाँ पर तो रूम वेल फर्निश है, वो आप खुद देख सकते हैं, और ये होटल की तरह नहीं है, होम स्टे है घर की तरह। जैसे आप घर में आप बैठते हो वैसे आप हम सेवा करते हैं, घर में खाना खिलाते हैं आपको अपने अंदर, जैसे हम खुद खाएंगे वैसे आपको भी खिलाएंगे, और घर का खाना। यानी कि ये कह सकते हैं कि होटल नहीं, आप अपने घर की फीलिंग लोगे? जी, घर की फीलिंग देंगे उनको भी बस। तो किस तरह के रूम हैं, क्या चार्जेस रहेंगे? रूम हमने चार्जेस नॉर्मल रखे हुए हैं, 1500 रुपये रूम का चार्जेस रखे हुए हैं। 1500? जी। अरे अभी हम बातचीत करके आए हैं, रात हम रुके थे, 4000 दे रहे थे और आप 1500 में दे रहे हो? नहीं, वो तो 5000 वाले रूम भी हैं, पर हमने 1500 रुपये रूम रखा हुआ रेट बस। कहाँ 5000 और कड़े 1500 रुपये? 1500 रुपये रखा हुआ है। तो इतना सस्ता कैसे दे रहे हो, कोई अच्छी सुविधा नहीं है क्या? नहीं, आप रूम दे सकते। अच्छा, तो एक बार भाई से कहूँगा अंदर आए चेक करें। ये देखो, तो ये देखो दोस्तों रूम के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। ये देखो एक बार, ये दिखाओ क्या बात है, ये रिजाई देखो, डबल बेड है ये, वास्तव में रिजाई बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी आप चारों तरफ देख सकते हैं, सॉफ्ट गद्दा है बिल्कुल, और सामने LCD चेयर है, और ये साथ में ये क्या है, ये वॉशरूम। ये देखो भाई अंदर, एक बार ये दिखाऊं भाई को, ये भी दिखाओ वॉशरूम, थोड़ा दूर से दिखा दें, वैसे बहुत साफ़ है, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से मर्जी दिखाओ, बिल्कुल साफ़ है। तो ये है डबल बेड, और ये क्या है सर आगे? ये ड्रेसिंग रूम, किसी होटल में ड्रेसिंग रूम नहीं। तो ये किस काम आएगा? ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम। ओहो, ये देखो भाई, ये जितने भी होटल तकरीबन हमने देखे हैं 2-3 दिन के अंदर, ये चीज़ सबसे अलग मिली है, दूसरे होटल में ये चीज़ नहीं थी। हालांकि जो सुविधा थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, और जो भाई ने बताया है 1500 रुपये मात्र है, और जो शायद हमारे दर्शक हैं शायद उनके लिए कुछ कंसेशन जरूर मिले। तो आप वीडियो देखते रहें। ऐसा तो नहीं सर कि एक ही ये रूम ऐसा है और बाकी कुछ अलग है? नहीं, इससे रूम थोड़े अलग भी हैं, दो रूम लगे हैं, दो रूम सेम रखे हुए हैं हमने। इससे डाउन है या अप है? नहीं, सेम रेट है। सेम रेट है, सेम रेट। और जैसे ऐसे रूम आपको भद्रोह में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा तो 5000 से ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं देगा आपको रूम। ये बात तो आपकी बिल्कुल सच है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से कस्टमर आया तो टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम आए? किसी टाइम भी आ सकता है, टाइमिंग का कोई नहीं कि 12 बजे आपको चेकआउट करना, वो कोई नहीं, 1-2 बजे चेकआउट कर सकते हो।
अच्छा जी, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों के साथ नंबर है 9622179845। नंबर दोबारा बताइए, 9622179845। जी बिल्कुल दोस्तों, जो नंबर हम आपको डिस्प्ले पे भी शो कर देंगे, जो भी साथी यहाँ आता है भदरवाह के अंदर और किसी भी समय सर ने कहा कि आप कॉल कर सकते हैं, मात्र 1500 रुपये फीस रखी है और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बढ़िया रूम कहीं और मिल सकता है। इसमें आपको हीटिंग भी देंगे, कटल भी देंगे, वॉशरूम में आपका ड्रायर भी लगा होगा, सब लगा होगा 1500 में। इतनी सारी सुविधा है, ये कोई संस्था का है या किस तरह से जो अपने अपना इतनी सुविधा दे रहे हो? प्राइवेट बनाया हुआ, ये मोदी जी की पीछे से स्कीम आई हुई है कि होम स्टे है, यहाँ से हम लोग भागे नहीं कहीं दूर काम करने के लिए, तभी हम अपना रोजगार इधर ही करें। अच्छा, मोदी जी की स्कीम, मोदी जी से प्रभावित हो आप? जी जी, उनकी स्कीम है। बिल्कुल, तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। और शोर करना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आप प्लीज एक बार विजिट आओगे कश्मीर, भूल जाओगे जाना आप, ये स्विट्जरलैंड से भी बहुत अच्छा है, स्विट्जरलैंड भी इसके सामने फेल है। एक बार आप आओ भदरवाह, तो आप एक बार जन्नत है हमारा भदरवाह, और आप खुद आप यहाँ से गए हो तो आप तो खुद एक्सपीरियंस आपको हो गया। अभी जो हम देख के आए थे जैसे गुल्ली डंडा यहाँ पर हमारा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा है और शांति पीसफुल है, कोई डर नहीं है। रात के 1 बजे भी चले जाओगे ऊपर तो कोई डर नहीं है। अच्छा सर, ये कहते हैं 370 टूटने के बाद किस तरह का मॉल रहा है यहाँ? बहुत अच्छा मॉल रहा है यहाँ पर, कोई डर वो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, फाइव स्टार होटल हमारा यहाँ पर बन रहा है, पूना से है वो कंपनी वाले, तो फाइव स्टार होटल वो बना रहे हैं पूना से। 370 ने जी जिस तरह से लोगों को यहाँ पर सुविधा दी है, क्या मानते हो वास्तव में बिल्कुल चेंज हुआ? पहले तो बाहर के लोग तो कुछ ले नहीं सकते थे ना आ सकते थे, अब तो बहुत चेंज हो गया 370 हटने के बाद। कुछ लोग मिले थे कह रहे थे कि दिन में भी डर लगता था वहाँ जाने में। जी जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ दिन में क्या हम बाहर नहीं निकल सकते थे, वैसा मॉल था, अब तो अब रात के 1 बजे चले जाओ गुल्ली डंडा में तो कुछ डर नहीं है। जी तो बिल्कुल दोस्तों, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो धारा 370 हटी है उसके बाद लोगों को यहाँ से, अच्छा जी पहले बात करें, जो कश्मीरी है वो पलायन कर गए थे, यदि 370 नहीं हटती तो ऐसी नौबत दोबारा आ सकती? नहीं नहीं, हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों ने मुकाबला किया मिलिटेंसी में भी, वो नहीं भागे यहाँ से, उन्हें मुकाबला दोनों तरफ से मुकाबला था, भागे नहीं पड़े 26-27 साल। जी जी बिल्कुल, 96-97 तो पीक मिलिटेंसी रही, तो तब तो ये बहुत मुकाबला किया, यहाँ से भागा कोई नहीं है। अच्छा, मर गए हैं पर भागा कोई नहीं यहाँ से, भदरवाह डिस्ट्रिक्ट से। भदरवाह डिस्ट्रिक्ट जी, तहसील आती है, डिस्ट्रिक्ट डोडा आता हमारा, डिस्ट्रिक्ट डोडा जी, यानी कि आखिरी सांस तक अपनी जंग लड़ी। बिल्कुल, और आज कामयाबी मिली है और आगे फिर से भी आएगा तो फिर से लड़ेंगे, वैसे डरने वाला कोई बात। तो एक रूम चेक करने के बाद हम दूसरे रूम में एंट्री कर चुके हैं और देखते हैं क्या वास्तव में दूसरे रूम के अंदर भी वैसी ही सुविधा है या नहीं। ये फैमिली रूम है। अच्छा, ये फैमिली रूम है, फैमिली रूम है, इंटरकनेक्टेड रूम है ये। तो सर एक बात बताओ, एक टाइम में कितने बंदों को अलाउड है यहाँ पर? यहाँ पर 3 बंदों से हम ज्यादा रखते नहीं है, बस 3 बंदे। 3 बंदे जी जी, जैसे मेल फीमेल? मेल फीमेल होगा, फीमेल मेल भी चलेगा। अच्छा। 3 बंदों से ज्यादा नहीं बैठ, 3 बंदों से ज्यादा जी, नहीं जी, नहीं। ओके, बिल्कुल फैमिली रूम है भाई। और देखो जो हम बातचीत कर रहे हैं, रात जाई वैली है हमारा। क्या जी? जाई वैली, ऊपर जो ये सीनरी लगी हुई जाई वैली है। जाई वैली जी जी, ये कहाँ करना चाह रहे? भदरवाह? ये भी भदरवाह का ही है, यहाँ से 32 किलोमीटर है जाई। ओके, बिल्कुल शानदार नज़ारा है। और बिल्कुल भाई, जो रूम की जो सुविधा हमने आपको दिखाई, कुछ और दिखाना चाह रहे थे आप? जी ये रूम दूसरा। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा रूम, ये देखो एक के बाद एक बिल्कुल शानदार रूम है। अपने होटल में कितने रूम है इस तरह से? अभी तो मैंने 7 रूम तैयार किए हुए हैं, तो अभी 5-6 रूम और तैयार हो जाएंगे। कस्टमर की डिमांड है? डिमांड तो बहुत है, तो अभी हमें परमिशन सिर्फ 4 रूम की है, तो अभी 4 रूम ही चला रहे हैं हम। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन, मेरा रजिस्टर हो गया है, जेके टूरिज्म में भी रजिस्टर हो गया है 5-6 दिन पहले, तो 4 रूम की परमिशन है। अपने ही कोई वैसे वेबसाइट है जैसे कि? जी जी, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है अतुलिया होमस्टे कर, उस पर आप सर्च कर तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अतुलिया होमस्टे जी, गूगल पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। तो लगे गूगल या इंस्टाग्राम आप सर्च कर सकते हैं अतुलिया होमस्टे उत्तराखंड जी। और लोग तो होटल में तो सब बैठते हैं जी, होम स्टे में कम ही बैठते हैं। होम स्टे में हम घर का खाना जो हम खुद बैठ खाएंगे उनको भी वो खिलाएंगे। सर्विस भी आप नीचे से देते हो? घर के अंदर खिलाएंगे, किचन में अपनी बैठ के, जैसे हम खुद बैठते हैं वैसे आपको वो भी दिखाएंगे कहाँ पर हम बैठते हैं, तो नीचे बैठ कर खाना खिलाएंगे उनको, घर का फील है। चलो वो। अच्छा सर एक बात तो, वो जो सामने मकान दिख रहे हैं वो कोई गाँव है या क्या है? गाँव है। अच्छा, वो अलग गाँव है, ये अलग गाँव है? सब अलग अलग गाँव है। वो सब अलग अलग गाँव है।
अच्छा जी, तो ये इससे बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों हम सोच रहे थे जो बिल्कुल वो सामने चोटी पर आप कुछ मकान देख रहे हो वो अलग गांव है, और उससे थोड़ी दूर जो मकान है वो अलग गांव है, और वो बिल्कुल साइड में। इस तरह से अलग अलग ये बिल्कुल गांव के गांव बसे हुए हैं, इन्हीं को ये गांव मानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी बात अच्छी लगी और वीडियो के अंदर वास्तव में आपको मजा आया तो शेयर जरूर करें। ये देखो दोस्तों कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी हुई हैं, आंखों की खूबसूरती पर बेपनाह लिखने वालों एक नज़र उन पर भी डालो जो देख नहीं सकते।